पे तेरे नैन निकाल लूंगा। आराम से दादी, आराम से, आराम से दादी, आराम से। ए दादी आराम से। जाने बहार रस के चमन गुलचा बदन सीरी शरम। लोगो जवान बेटे के माँ बाप हो तुम लोग को, शरम नहीं आती है? इधर ही सनीमा बनाया हुआ तुमने। ए अम्मा खामा का आपको शक पड़ रहा है, हम तो आपस में मोहब्बत कर रहे थे, आप खामा का हमारे पे इल्जाम लगा रहे लिए। दादी शादीशुदा जोड़ा है ना, ये खुश है तो खुश रहने दो ना शादीशुदा जोड़े को। बेशरम तेरे को कैसे पता चला कि शादीशुदा जोड़े को जो खुश रहते हैं? मैंने एक बार में पढ़ा था। ये कौन सा एक बार है जिसमें लिखा? तेरे को शरम नहीं आती है? तू ये नील की टंकी के साथ इतनी मोहब्बत जता रहे, चुका रहे, तेरे को छोकरी नहीं मिली। फैशन आज मेहमान कौन कौन आ रहे बेटा? आज मेहमान आ रहा है शाहरुख, रूमी ने इस्माइल तारा। शाहरुख रूमी? तो क्या मेरे को रूमी में बात करनी पड़ेगी? इतना बड़े बाप का बेटा, इसका बाप इलेक्ट्रिक काम करता है ना, है ना? लेकिन बच्चे में भी करंट आता है ना? बहुत करंट है, बहुत करंट है। दूसरा कौन बोला तूने? इस्माइल तारा वो नहीं है, बहुत मशहूर कॉमेडियन जो करता है। अरे ये जो चार्ली चपलन के बचपन के रोल करता है वो? नहीं नहीं नहीं, 50-50 में नहीं वो करता था, नहींडे हांडे। अरे जानते हो ये गांधी जी के जमाने का तोबा कितना पुराना, इसके जमाने के तो पत्थर भी खत्म। अरे नहीं दादी बहुत पोजीशन आराम से एड्रेस मिल गया था आपको सारा कुछ। अभी रुकी मैं आपका अनाउंसमेंट करता हूँ, जरा इनका ख्याल रखिएगा मेहमान। अरे तो क्या कोई हारा हुआ उम्मीदवार है मुंह नहीं दिखाता है मेहमान? खुश आमदेद खवातीन व हजरात, और आपको भी खुश आमदेद गफार जट दोरा जी में। आज पाकिस्तान के नामवर एंटरटेनर, कॉमेडियन, एक्टर, डायरेक्टर, राइटर हमारे पास, हमारे इस दोरा जी में मौजूद हैं। मेरी फैमिली के साथ आज आप उनसे मुलाकात करेंगे। हम सबके पसंदीदा हैं, ज़िंदगी में इन्होंने हमको बड़ा हंसाया है, मुख्तलिफ रोल्स में, मुख्तलिफ कैरेक्टर्स में, तरह तरह के भेस बदल के, तरह तरह की टोन्स में। और कमाल ये है कि एक कैरेक्टर, एक भेस दूसरे भेस से मिलता नहीं है, क्या बात है। आपकी तालियों में इस्माइल तारा। हेलो, अच्छो अच्छो माँ, अच्छो अच्छो हेलो करती खामा खामे, वोट डलवाने ले जा रही क्या जबरदस्ती? क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या 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 कर रहे हैं आप लोग? स्माइल तारा है, पागल है, स्माइल तारा है, पागल है। आप प्लीज बैठे, आप प्लीज घबरा गए। अरे तो इस, आपका इस्तकबाल किया है हमने। दादी मेहमान है, अगर भी हुआ नहीं ना ऐसा तो अभी आपके साथ हुआ, मजा आई आपको? बहुत कुछ करेंगे आप। मैं तारुफ करा दूं? तारुफ करा दूं? क्या तारुफ कराना, हम जानते हैं, हम तो बचपन से इसको देखते हैं। ये तो नहीं आपको जानते ना, ये मेरी दादी है। अच्छा, ये मम्मा है। अच्छा आप मुझे बताएं, ये आपका ये नॉर्मल सा जो बंदा है, ये आपका बेटा है? मेरे सो रहे। ए भाई मैं इसका मियाँ हूँ, मेरी शादी पे बहुत खर्चा हुआ था, पता है मेरी शादी में बड़े बड़े लोग आए थे दुबई से, लंदन से, मेरे बाप ने मेरी शादी पे बहुत खर्चा किया था। एक्टर आप हैं, राइटर आप हैं, और एंटरटेनमेंट मतलब एंटरटेनमेंट से भी आपका ताल्लुक रहा है, वन मैन शो भी आपने किया, स्टेज पे भी काम किया, डायरेक्शन की तरफ कैसे आ गए? हाँ, किसी ने दिमाग पे टीटी रख के तो नहीं डायरेक्शन करवाई आपसे? दादी मैं अभी समझाता हूँ, आप एक मिनट सब्र करें, जवाब तो देने दें। तो बेटा मैंने क्या बोला है? मैंने आपको कोई तकलीफ दी है? नहीं, नहीं, तकलीफ। कोई कोई मैंने हमला किया आप पे? क्या नहीं, किया, क्या है बेटा? नहीं नहीं मैं बताना चाह रहा हूँ कि डायरेक्शन में कैसे आ गए। उसको बताएगा, हमको नहीं बताएगा? आपको भी साथ, आपको बात पता है क्या? मुझे किसी ने कहा कि डायरेक्शन अब बहुत आसान हो गई, कह रहे कोई अच्छा सा कैमरामैन ले लो और उसके बाद डायरेक्शन शुरू कर दो। वाह वाह। तो बहरहाल ये है कि वो फिर इस तरफ भी आ गए हम, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो। तो डायरेक्शन में आपको उतनी कामयाबी मिली जितनी एक्टिंग से मिली? नहीं, मैं एक बात बताऊं आपको, ये काम जो है ना, या तो एक्टिंग कर ले, जो बाद में मुझे एक्सपीरियंस हुआ जी, कि या एक्टिंग कर ले या डायरेक्टिंग कर ले, डायरेक्शन दे दे, वो दोनों काम एक साथ साथ बड़ी डिफिकल्टी है। अच्छा आपने हम प्रोग्राम देखा हमारा? नहीं नहीं, मैंने 2-3 प्रोग्राम देखे आपके, माशाल्लाह बहुत अच्छे। मैं आपके साथ एक क्वेश्चन कर सकती हूँ? आपके साथ नहीं बोलते, बोलते
आपसे तू तो सही बोलो, गलत कर दिया मेरे को। सारे दोरा जी में मेरे को बोलते हैं प्रोग्राम करवाती उर्दू अच्छा, में करवाती। मैंने इनके प्रोग्राम देखे बड़े, इनके देखे हमारे नहीं देखे। मैंने कायदा पढ़ना शुरू किया, मैं क्या कर सकता। अरे मेहमान है तो मेरी बात सुन लिया। आपके प्रोग्राम देखे मैंने, बड़े अच्छे दो तीन शोज आपके देखे मैंने। इंशाल्लाह लड़का निकलेगा। कहाँ निकलेगा? नहीं नहीं प्रोग्राम से बाहर नहीं, अच्छा निकलेगा। ये घर से तो नहीं निकल जाएगा। अच्छा, ये बोलता मैं पढ़ाई करने अमेरिका जाना चाहता हूँ। ये तो बोलता मैं पढ़ने अमेरिका जाना चाहता हूँ, इतना मेरा पैसा लगा दिया, मैं तो इसको भी मार दूंगा। नहीं मौका मिलेगा तो जाऊंगा ना दादी। अभी इस्माइल तारा भाई एक क्वेश्चन मेरे से, तुम कान से बीन बजा लो। प्लीज आप किसी होम्योपैथी को क्यों नहीं दिखाते? दिखाया तो उनका इलाज मुश्किल है, वो देर से असर करती। अच्छा सर ये बताइए कि आपने स्टेज से अदाकारी शुरू की या कहाँ से, कैरियर का आगाज कहाँ से हुआ? कैरियर का आगाज मैंने ये बोरियां चोरी करने शुरू की। हाँ मैं चोर है। कौन सी बोरी? चोर नहीं हूँ मैं, बता रहा हूँ। चोर नहीं है, क्या हो गया? अरे बचपन की बातें बता रहा हूँ, आप समझ लीजिए। असल में क्या हुआ कि हमारे पड़ोस में ना एक हमारे रिश्तेदार रहते थे। अच्छा। उनकी थी ये अपना परचून की दुकान। अच्छा। ग्रॉसरी की। जी जी। तो फिल्में देखने का बड़ा शौक था। अच्छा। जहाँ से एक्टिंग का शौक शुरू हुआ। हाँ। तो वहां पर जो है मेरे बराबर में जो रहते थे उनकी, वो ऊपर जो है ना छत के ऊपर जी, वो खाली बोरियां जो है इकट्ठी कर देते। तो मैं ऊपर से कुर्ता शलवार पहनता था, दो तीन बोरियां उसमें डाल के ना ऊपर कमीज रख, तो हम मैं जाके बेचता था। फिर हम दोस्त जाके फिल्में देखते थे, उससे टिकट लेते थे, उससे बेच उससे टिकट लेते थे। एक दफा मुझे ख्याल ही रहा, मैंने बोरी जो है वो शलवार में डाली, ऊपर से कमीज जो है ना वो ऊपर कर दिया। अब निकला बोरी बेची मैंने, वो पता लगा कि वो मिर्चों की बोरी थी। फिर तो तुम्हारी फिल्म उतर गई होगी। सारी फिल्म मैंने इसी तरह देखी। बहरहाल वो लेकिन फिर वहां से जोश उठा के जी मैंने एक्टिंग करनी है। 50-50 के बाद जो शोहरत का एक जबरदस्त सैलाब तूफान आ गया था, वो एक शोहरत की बुलंदी थी, वो कैसी लगी? वो बहुत अच्छी लगी, बड़ा उसका एक नशा। और बात ये है कि किसको अच्छी नहीं लगती। और ये जो है ना ये कामयाबी सिर्फ हमारी, ये पूरे टीम वर्क था ये। अच्छा। हमारी टीम जिसमें माजिद जहांगीर, मैं, ज़ेबा शनाज और अपना आदिल वाडिया, लतीफ कबाड़िया, और स्पेशली हमारा जो वो प्रोड्यूसर थे डायरेक्टर शुएब मंसूर। शुएब मंसूर का किस्सा बताता हूँ। आप पहले ये बताओ इस्माइल भाई, एक बात बताओ, ये आपका जो 50-50 था, इसके अलावा आपको कभी किसी ने ढंग का काम क्यों नहीं दिया? वो ढंग के लोग नहीं रहे। अच्छा मैं कह रहा हूँ कि शुएब, एक जमाना ये था कि लोग डायरेक्टर प्रोड्यूसर को इतना नहीं जानते थे, उनको नहीं पता था। एक्टरों को ज्यादा जानते थे, स्क्रीन पे आते थे जी, तो जो भी अच्छा बुरा उन्हीं को पकड़ते थे वो। सही। उनको नहीं पता पसे पर्दा जो एक मेन बंदा है। हाँ। जो हम लोग जो सेलेक्टर है। हाँ। अच्छा तो शुएब मंसूर जो है ना, एक दफा मैं बहुत नाराज हुआ। किस बात पे? हम बादराबाद में गए तो एक जगह उनके पास वेस्पा स्कूटर थी ना जी। तो मैंने कहा यार मुझे कोई मेडिसिन लेने है, तो मैं मेडिकल स्टोर में चला गया। थोड़ी देर के बाद बाहर आया तो मुझे बुरा भला कर लगा, जरा तुम जैसे निकल जाओ, दफा हो जाओ, तुम मेरे साथ नहीं जाना। मैंने कहा क्या हुआ क्या? तो एक लड़का आया शुएब मंसूर को कहता है, इस्माइल तारा को कह के मुझे 50-50 में चांस दिलवा। मुझे कह रहा है वो आगे जो मैं सब कुछ आते तारा कह एक बात बताओ, वो जो आप 50-50 में करते थे, यटे घटे यटे घटे, ये क्या मेमनी में बोलते थे? ओछी करे, गाल वधारे मा करे, घटे करे घटे करे। नहीं नहीं नहीं, इनका इलाज होने वाला नहीं, डॉक्टरों ने मायूस कर दिया। अच्छा इस्माइल भाई एक और बात पूछती हूँ, 50-50 में आपने बोला हो काम करते थे जो लोग थे, तो क्या आपने ज़ेबा सेना से शादी की थी उसमें? ये किसने बोला आपको? हमारे को पता चला था, आज बताओ ना, तस्दीक करनी है क्या तस्दीक करनी है? नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, अब लोग कह रहे हैं कि लोगों ने कहा, बोलो ना नहीं किया फिर बोल दो। कहाँ किया? हाँ तो बताओ कि नहीं किए। नहीं नहीं किए। माँ लोगों की बातें थोड़ी सुनते, लोग तो वैसे ही बोलना शुरू हो जाते हैं। स्कैंडल इतने बनते, पूछने देना उससे, तू क्या बीच में बोलती है? तारा भाई एक क्वेश्चन है मेरे को, आप बगैर डोरी के लट्टू चला लो? अल्लाह, आप नाराज नहीं होना? आपका नाम इस्माइल तारा क्यों है? इस्माइल चांद क्यों नहीं है? कोई अकेला हनीमून मना सकता है? नहीं तो फिर सुन लिया, इसीलिए कहता हूँ पप्पा ज्यादा मत बोला करो प्लीज। ये बताइए 50-50 एक प्रोग्राम हो गया, बड़ी कामयाबी, बड़ी धूम, दुनिया में शोज हुए, वो हुआ,
अगर अब आपको वही टीम दे दी जाए और कहा जाए कि एक नया प्रोग्राम कीजिए उस टीम के साथ, तो क्या रिजल्ट होगा उसका आपके ख्याल में? मैं कहता हूं कि मेरे अपना जो मैं समझ रहा हूं कि उससे और ज्यादा अच्छा हो सकता है। अच्छा, क्यों, वजह क्या उसकी? वजह उसकी ये है कि आज यानी हमने ये किया था 81 में जी, और अब आ गया 2005, मेरा ख्याल कोई 23-24 साल हो गए। जी हाँ, 25-26 साल। नहीं नहीं, 81 में तो अभी 26 साल। तू क्या बोलता है, तेरे को हिसाब नहीं आता, नाक कटाएगा हमारी, हिसाब लगाओ आप इस्माइल भाई, लगाओ। 30 साल हुआ। अरे 24 साल हुए तो 30 ईयर की, 24 साल तो तू तो 70 की हुई। बात ये हो रही थी कि आज के दौर में कह रहा हूँ इससे अच्छा हो सकता है। अच्छा, कैसे, क्या वजह? इसकी वजह कि देखिए आज आ गई नई नई टेक्निक आ गई। जी जी, वो लाइटिंग हो गई, वो सारा कुछ, और नए नए टॉपिक आ गए जो उस दौर में नहीं थे। लेकिन इस वक्त 50-50 टाइप का प्रोग्राम करना प्राइवेट प्रोडक्शन में नामुमकिन है। अच्छा, मैं आपको सही बात बता, वजह नामुमकिन, वजह इसके ये है कि ये जो ना बजट ज्यादा मांगता है। अब हर शख्स कहता है कि चैनल इतने पैसे नहीं देता, वो चूंकि गवर्नमेंट का था, टीवी था वो, तो ज़ाहिर है हमें हर चीज़ प्रोवाइड थी। अब इसके अंदर जो है हमें जो है वो बेशुमार ऐसी चीज़ें चाहिए जो आपका आपके बजट को ओवर कर देंगी। तो मैं इस प्रोग्राम जो आपका गफार द्वारा जी है, मैं उसके बारे से बात करता हूँ। अगर कोई करना चाहे, अगर बजट को जो है वो लिमिट में ना रखे, तो फिर हम करने को तैयार है। हाँ। नहीं तो आपके दूसरे साथी जो लड़ाइयाँ करते हैं वो सब मिल जाएंगे आपको। नहीं नहीं, वो ठीक हो जाएंगे। क्या करोगे, इसका इलाज करवाओगे उनका? वो ठीक हो जाएंगे इन लोगों का, वो लड़ाइयाँ करके तो उनको पता लग गया कि रिजल्ट क्या है। हाँ। तो वो आप सही हो जाए। आपका क्या ख्याल है, अगर ये लड़ाइयाँ नहीं करते, मोहब्बत प्यार से काम करते, तो आज तलक होता ना? मैं कहता हूँ कि बहुत ज्यादा वसी काम होता। इसको कोई बंद ही नहीं कर सकता था ना इस्माइल भाई? ना कोई भी नहीं। माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम। मोहम्मद इस्माइल अबामी जी, अगली गाल सुनो। इस्माइल तारा भाई, आपको इधर आने में कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, यहाँ आपके आने में कोई तकलीफ नहीं। असल में मैं जब वहाँ था ना रस्ते में, तो आपके घर की तरफ जब टर्न लेने लगा तो दो लड़के मिल गए रास्ते, कह लगे मोबाइल दो, मोबाइल फोन, कह लगे मोबाइल फोन दे दो। तो क्या हुआ फिर, दे दिया आपने? नहीं नहीं, मैंने उनके हाथ खाली थे, मैंने कहा भाई कुछ दिखाओगे तो मैं दूंगा। हाँ, तो वो कह लगे क्या, मैंने कहा कुछ दिखाओ तो मैं दूं, उन्होंने टीटी निकाली, कह रहे मोबाइल, मैंने कहा ले जाओ, बिलावा ये तो नहीं देखता ना कोई, गफ्फार भाई तो बड़ी रिस्पेक्ट की उन्होंने, अभी उनका पागलपन था, मतलब ये वो आए, उन्होंने कहा, मैंने कहा गफ्फार भाई का ये जो ड्रामो का कारखाना जो चलाते, बोला कारखाना चलाते, मैं क्या लेथ मशीन की दुकान खोल के बैठा हूँ भाई, मेरे पे अल्लाह का फजल है जैसे गालिब की गजल है, मेरे को तो बच्चा बच्चा जानने लग गए। देखो बच्चे बच्चे को तो पोपाई को भी जानते बच्चे बच्चे। शर्म करो पप्पा, शर्म करो, लोग कह रहे हैं कि एक्टिंग का कारखाना चला रहे हैं, आप कह रहे हो बच्चा बच्चा जानता है, कोई अच्छी बात है ये? आप फिल्मों में आजकल क्यों कम नजर आ रहे हैं? फिल्मों में कम नजर आ रहे हैं आजकल? अभी थोड़ी सी शर्मिंदगी है फिल्मों में काम करना। बात यह है कि ईमानदारी की बात है, इसमें को ज्यादातर बुरी फिल्में बन रही, अब अच्छी भी बन रही। अच्छा। नहीं नहीं, अभी अपनी रीमा ने इतनी अच्छी, रीमा ने अच्छी फिल्म बनाई, हमने ऐसी रस्म में जाके धक्के मार मार के तो टिकट लेके फिल्म देखी है। बात ये है कि देखिए अच्छी फिल्म बनेगी तो जरूर मैं काम करूंगा, मैं तो फिल्मों को बड़ा शौक है, मैं तो करना चाहता हूं। अच्छा, मेमोरी फिल्म बना तो इनमें तू कम हम करने, तू क्या कर रहे यार, ये प्लीज मेहमान है, ऐसे बात नहीं करें। तारा भाई, आपको म्यूजिक से कोई दिलचस्पी है? हाँ हाँ, मैं तो बड़े शौक से म्यूजिक सुनता हूँ। आपको गाना आते? मैं गाना गा लेता हूँ, सुनता कोई नहीं है। चले मैं गाना गा के सुनाती हूँ। अच्छा, कभी आर कभी पार का गती रे नजर। खुदा के लिए, सारे मोहल्ले में कौवे भागने लगेंगे गाने तू मत गाया कर पाए। ये जो ये इंडिया के गाने गाती है ना, किसी दिन देखना, बिजली का स्विच निकाल के केबल के तार उसमें डालूंगी और इसको करंट से मारूंगी। सासू माँ, आप मेरे पे हमेशा अंजाम लगाती है, मैं तो खामोशी से मशरक की नारी हूँ ना, मेरे को अपने घर की परंपराओं का ख्याल है, वरना बोलना मेरे को भी आता है। ये बताओ आज मेरे को, आज फैसला बताओ, ये परंपरा क्या चीज है? मेरी खोपड़ी घूम रही है परंपरा। ये जो परंपरा है ना, ये हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जब तक ये मसला हल हो जाएगा। हमारे यहाँ का ये तरीका है, जब भी कोई ऐसी बहस होती है हम एक छोटे सा ब्रेक लेते हैं। इस्माइल भाई परेशान मत, एक छोटे से ब्रेक की बात आ रहे हैं, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इस्माइल तारा हमारे साथ है, गफ्फार सर दोनों जी।
खुशामदेद। कहानी घर घर की सुना रही थी मैं, सासू माँ को गुस्सा चढ़ गया मेरे पे। मेरे पे काय का गुस्सा? ये जो परंपरा है ना, ये इसके साथ इसका स्कूल में कोई सवाल जवाब था, निकानी घर घर की, इसमें दो घर है, एक इसका घर ने एक परंपरा का घर। कहानी घर घर की बात कर रहे हो, उससे मुतासिर है आप? वहाँ की जमादार ने भी ऐसे कपड़े नहीं पहने। एक्सक्यूज मी, एक बहुत अहम सवाल है मेरे से, ये आप घोड़ा गाड़ी बगैर घोड़े के चला सकते हैं? सॉरी आप बुरा मत मानो, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। इनका मैदा खराब है ना, तो उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। मम्मा प्लीज मुझे बात करने देंगे आप? क्या हो गया आपको यार, क्या सवाल? इस्माइल भाई, इस्माइल जी जी प्लीज। ये आर्टिस्ट एक्टर जो है हमेशा जवान रहने की कोशिश क्यों करता है? रोमांटिक होता है ना, रोमांटिक होता नहीं है बड़ा वो रोमांटिक आदमी। आपने कभी उम्र छुपाई अपनी? नहीं मैं कभी भी नहीं छुपाता। अच्छा हाँ, अभी इस वक्त छुपाऊंगा। क्या यार चुप हो जाए। इस्माइल ताराबाई में जब इतनी सी थी ना, आपके ड्रामे देखती थी, आप अभी तक पप्पू बने हुए क्यों? जब तक कॉन्फिडेंस है बनने दे मुझे क्या। अच्छा इस उम्र में कॉन्फिडेंस ज्यादा हो जाता है? बहुत ज्यादा हो जाता है। अच्छा और क्या बताए ना वो सवाल वाले? माँ आखिरी माँ, माँ आप लेट हो गई आज जाने में। किधर से? इधर से, इलेक्शन से। अरे तो मैं इलेक्शन में गई बेटा वोट डालने के लिए, तुम्हारा वो नहीं काका हा? उसने बोला था आप अपना वोट देना, लेकिन बेचारा एक वोट से ही हार गया। कैसे? मैं तो वोट देने गई, उधर मेरे को उधर बिठाया, बोला जाओ पर्दे वाले कमरे में, ऐसे पर्दा उठाया मैं गई, मेरे को पर्ची दी थी, वो कौन है घागड़िया नहीं है हाँ। उसने मेरे को पर्ची दी, मैं अंदर गई, मैंने देखा तेरे काका की ऐसी फोटो, शरीफ टोपी लगाया चश्मा ऐसा मासूम, ने उसका जो मुकाबले में दुश्मन था ना वो ऐसे करके उसने फोटो दी थी। मैंने बोला इसका मैं मुंह तोड़ती हूँ, मैंने ऐसा लिया ऐसा फटाक उसके मुंह पे मारा और देके आ गई। मैंने बोला हमारे जेट के लिए ऐसे करते हो? क्या मारा मुंह पे? ये जो नहीं था मोर ऐसे ऐसे आपने मारी हाँ। वो एक वोट से आ रहा हाँ। वो आप ही के वोट से आ रहा है काका। तो वोट जाया कर दिया मैंने। अल्लाह दादी दादी, आपने सुसल जी को नहीं देखा उधर कहीं? सुसल जी किधर? वो तो मेवासा के कब्रिस्तान में। मैंने दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ आप रो नहीं क्यों? मैं बुरी लगती हूँ? सासू माँ आपने घड़ी क्यों बांधी है? ये वहाँ जा रही थी ना इलेक्शन में, तो मेरे को ये घड़ा दिया, मैंने बांध लिया टेम के लिए। घड़ा नहीं है माँ, घड़ी बोलते है इसको। अरे घड़ी बोलते है, मेरे को तो कोई मेरी वे और टावर दे देता मैं वो बांध लेती। इसमें सुंगड़ी भी रखती है? ये आपकी अम्मा रखती होगी, हमारे को छेड़ने की जरूरत नहीं है। मेहमान को हम इज्जत कर रहे हैं, ये देखो नाश वाली बात बोली है। नाश सुंगड़ी, सुंगड़ी तू खाती हो? सुंगड़ी मेरे को क्या जरूरत है? इस्माइल तेरा भाई, आपको कौन से मुल्क की करेंसी अच्छी लगती है? इराक, ईरान की। क्यों? 100 रुपए तो इतनी मिल जाती है। अच्छी बात, अच्छी। अच्छा मुल्क कहाँ कहाँ घूमे आप दुनिया में? कहाँ? सारी जगह गए, पूरी दुनिया में। यूरोप गए, अमेरिका, कनाडा, मॉस्को गया, इस्तांबुल गया, मतलब काफी जगह, हांगकांग, बैंकॉक, सब जगह। 50-50 के शोज करने गए या? नहीं, शोज करने भी गए, मूवीज बहुत ज्यादा की एक जमाने में, बाहर मूवीज बनाने का बड़ा वो था, अपना रिवाज था। बल्कि मुझे याद है कि जो लाहौर में बड़ी गर्मी पड़ती है ना जून जुलाई अगस्त में, जी जी, तो पहले से जनवरी फरवरी से तैयारियां शुरू थी कि दो फिल्में उधर करनी है, दो फिल्म, तो 5-6 साल तो इस महीने में बाहर ही रहे। फिर वो उसकी वजह ये थी कि वो इसलिए बाहर बनाते थे फिल्म के, एक महीने के लिए आर्टिस्ट वहाँ बाउंड हो जाता। अब यहाँ तो फला की शूटिंग के लिए कराची चला गया, एक उधर चला गया, एक उधर चला गया, वहाँ ही होता था कि पूरी कंप्लीट करके आ जाते थे। लेकिन अब चूंकि फिल्में आहिस्ता आहिस्ता फिर जब थोड़ी सी नरम होने लगी तो ये रिवाज भी खत्म हो गया। कभी आपकी एक्टिंग पर किसी ने एतराज किया कि यार ये क्या किया तुमने, ये तो बहुत ही घटिया काम किया, बहुत ही बुरा था? अच्छा मुझे याद, ऐसा कुछ? हाँ मुझे याद है कि मैं मतलब लोगों ने जो कम किया मैंने बहुत ज्यादा किया। अच्छा उसकी वजह ये है कि आदमी को खुद देख के अपने कि यार ये क्या तुमने गड़बड़ की है, तो आदमी को अपना अपना जो है ना अपने पर तनकीद करना जो आर्टिस्ट को जी वो बहुत जरूरी है। अच्छा तभी वो आगे जो है ना वो जरा डिफरेंट काम। किस काम को देख के आपको लगा कि मुझे नहीं करना चाहिए? मिसाल के बेशुमार फिल्म मूवीज हैं जिसमें मुझे था कि यार ये इससे बेहतर ना ही करता मैं, मतलब फिल्म हैं बेशुमार ऐसी। लेकिन ज्यादातर टेलीविजन पे जितना काम किया मैं ही समझता हूँ कि मैं उस काम से कोई पछताया हूँ कभी। जी ये तो है। तारा भाई जब आप टॉप के दौर में लाहौर चले गए तो आनू पंजाबी भी आंदी पई होंदी? पूछ रहे हैं आपको नहीं आती जैसे आपको? नहीं पूछ रहे हैं आपको पंजाबी आती? हाँ हाँ मैं
जाहिर है आती होगी ना, चंगली बुरी पंजाबी बोलना है ना, कोई ऐसी गल नहीं। क्या बात है, स्टेज भी किया आपने? स्टेज भी पंजाबी में क्यों छोड़ दिया कि डांस ज्यादा होगा इसलिए? नहीं, ये बात नहीं, डांस तो बहुत, आपको तो बहुत आता है ना डांस। हाँ हाँ, अभी तो आपको काम मिलना था, आपने क्यों छोड़ा? नहीं, इनसे ज्यादा इनकी गर्दन को डांस आता है। नहीं, ये बहुत नाचने वाला बंदा है, मेरे को बताते था कोई के इस्माइल भाई तो नाचते हैं। इस्माइल भाई आपका एक बार पिकनिक का नाचना चाहते होंगे ना? नहीं, वो नहीं हो जाता, वो थाली होती है, तुम नाचते वन वे टिकट, मेरे को बहुत अच्छा लगता था। अच्छा, वो मैं ये कह रहा था कि वो प्ले थिएटर में क्यों नहीं कर रहा हूँ? जी, थिएटर क्यों नहीं कर रहे हैं? वो इसलिए कि अब जो सूरत हाल है टेलीविजन के चैनल्स के जो प्रोग्राम, जी तो आधे में कराची में करूँ, आधे लाहौर में, तो अब वो उसकी वजह से जो ना वहाँ पर मैं सही टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। अच्छा, हालांकि बड़ी ख्वाहिश है वहाँ मैं करने की, अक्सर मुझे जो है वहाँ के जो प्रोड्यूसर या प्रोमोटर है वो कहते रहते करने, लेकिन जब इंशाल्लाह मुझे मौका मिले मैं ज़रूर करूँगा। अच्छा, एक जनरल नॉलेज का सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, प्लीज आप बोलिए। मैं पहले पूछना चाहती हूँ कि अगर इनको कोई इलेक्शन में खड़ा कर दे तो आप खड़े हो जाएंगे? पता नहीं, मुझे सीधे आदमी को तो खड़ा नहीं होना चाहिए, ये बेचारा सो के नहीं खड़ा होते इलेक्शन में, आपको घर में बैठ जाना चाहिए बस। मैं बहुत जरूरी बात करने वाला हूँ, ये बताइए इस्माइल साहब, अगर आपने घड़ी बांधी हुई हो हाथ में तो आप उसको बगैर देखे टाइम बता सकते हैं? आप उधर ही बैठ जाना। नहीं तारा भाई, मैं भी एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि अगर आपको बीच पानी में ठहरना हो तो कितने घंटे बगैर सांस के रह सकते हैं आप? आप चाहते हैं कि मतलब मैं बाहर ना हूँ? आपकी बात पे याद आया, हमारे नाना है ना, तो आपके नाना और नानी जिंदा है? हाँ माशाल्लाह जिंदा है। तो यार क्या आपके पूरे खानदान ने आप हयात पिया हुआ है क्या? नहीं, पूछ रहे हैं वो, ऐसे ही पूछ रहे हैं। तो आप देखो, हमारे मौजूद मेहमान हो, अगर हमने अपने बालों में रंग नहीं मारा, आप 6 बोतल डाल के आ गए। दादी ऐसे मत बोले प्लीज, पूछ रहे हैं आपसे। आजकल तो औरतें भी ऐसे डाल के कलर इस्तेमाल। अच्छा, आप नाना का कुछ जिक्र बता रहे थे। भाई हमारे नाना ना पानी में उतर गए, गुस्से में आके। अच्छा अच्छा, उतरे भाई तो भाई अंदर चले गए, आवाज दो आ जाओ, बोले नहीं आता हूँ, नाराज हूँ अंदर। अच्छा, 6 महीने के बाद जब गुस्सा ठंडा हुआ ना पानी में, फिर बाहर आए। जिंदा थे? दो मछलियां साथ लाए। आप चुप हो जाओ, जॉस्टू आप चुप हो। पापा मैं मम्मा है मेरी। क्या है, ऐसी मछली है इतने बड़े मुंह वाली? दो मछली लाए, इसकी माँ को दिखाई थी मछली। मम्मा है तो मेरी हम उम्र है। एक्सक्यूज मी मोहम्मद इस्माइल, ये हमारे इलाके का कौन सा? इस्माइल तारा, पापा इस्माइल तारा। चलो मोहम्मद इस्माइल तारा भी बोल। मैं आपको बड़े शौक से जब से देखता हूँ, आप इतने अच्छा अच्छा प्रोग्राम करते, आप लाहौर चले गए, कराची में आके प्रोग्राम क्यों नहीं करते? मकान नहीं मिला किराए पे, इसलिए चले गए। पापा जैसी बातें कर रहे हो, वो अगर बुरा नहीं मान रहे तो इसका मतलब है कि आप जो भी मतलब मुंह में आएगा पूछोगे। 19-20 तो हैं, बड़े एक्टर हैं। हर एक्टर को, एक्ट्रेस को गाने का शौक होता है, आपको है ना? मुझे नहीं। सुनते? हाँ सुनता, बड़े किसको सुनते हैं? सुनने का बड़ा शौक है, और अगर कोई गलत गाएगा तो मैं उसको पकड़ भी लूंगा, सुरी मतलब इतनी मुझे मतलब मालूम आती है। अच्छा, तो इस्माइल भाई कहाँ जाके सुनते हैं गाना? दादी टेप से सुनते हैं, टीवी पे सुनते हैं। मैं दो सुनाऊं आपको? नहीं अम्मा नहीं, आपको अपने खानदान में रहना है ना? मेरा गला घोट दो, ये तो कब से चाहती है मेरी छुट्टी हो जाए, मैं नहीं छुट्टी ले रही। एक्सक्यूज मी जी, आप गाना किसका सुनते हैं? नुसरत फतेह अली खान साहब सुनते हैं, मेहदी हसन खान साहब को सुनते हैं, मुन्नी बेगम सुनते हैं? मैं बता दूं, मैं मेहदी हसन साहब को भी सुनता हूँ बड़े, और अपना मैंने जो हमारे पुराने सिंगर हैं मतलब मुनीर हुसैन, सलीम रजा, ये भी बड़े अच्छे गाने बने, जिनको आज की नस्ल शायद इतना नहीं जानती है, लेकिन उन्होंने बड़े उमदा उमदा। मुनीर हुसैन बड़े अच्छे अच्छे मुनीर हुसैन ने भाई शेयर बाजार में कारोबार नहीं। मुनीर भाई जो उर्दू में कमेंट्री करते थे क्रिकेट की, वो मुनीर हुसैन भाई। हाँ मुनीर हुसैन, इसके 50 साल हो गए ना अभी, गोल्डन जुबली हुई है। अच्छा, वो गाते भी है? वो गाते क्या? वो नहीं है, वो एक सिंगर है जिन्होंने मतलब तौबा फिल्म के सारे गाने उनके देखे। अरे हाँ, मैंने गाना सुना है इसका, मुनीर हुसैन बागा वाले ओ नाम जप। पापा प्लीज प्लीज, पापा बेल बजी, मेहमान कह के नहीं। अच्छा, मेरे को शर्म नहीं आती है, चौकीदार। खवातीन आजाद, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जितना हमारे मेहमान आ गए, हम आते हैं थोड़े से छोटे से मामूली से प्यारे से ब्रेक के बाद, इस्माइल तारा साहब और हमारे नए मेहमान हमारे साथ होंगे, गफ्फार जाट दोनों जी में। खुशामदीद खवातीन आजाद, इस्माइल भाई आपको थोड़ी देर वहाँ, अब वहाँ बैठना पड़ेगा। नहीं कोई बात नहीं, तारा भाई इधर आ जाओ मेरे पास। हाँ प्लीज, बहुत सारी तालियों में इस्माइल भाई को बिठाएं। हमारे अगले मेहमान
पाकिस्तान के नौजवान नस्ल के नुमाइंदा गुरुकार आप सब जानती हैं, हमारे आपके पसंदीदा, जिन्होंने गाया था चंदा मुंह छुपाले, शारिक रूमी। चंदा मुंह छुपा ले दादी, क्या हो गया आपको ये ऐसे? अरे मेरे सुनने में कान पर, इसके तो गाने बहुत मशहूर है, तारुफ तारुफ बहुत पसंद है आपके गाने। इसका वो गाना है, खम्मा जी ना नंद जी ना लाल मोर की, ये मेरी आने वाली एल्बम में है, अभी आया नहीं है। आपने गाया ये गाना? मुझे ख्याल है जब उन्होंने इतने कंफर्म बोला है तो। अच्छा शारिक, आपने गाने की तरबियत हासिल की है या किसी फकीर की दुआ है? फैसल मैं बचपन से कीबोर्ड बजाता हूँ। अच्छा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ बचपन से, तो म्यूजिक का थोड़ा बहुत सेंस था, शौक था गाने का, तो उसी तरह शुरू हो गया बस, जैसे बाकी सारे गा रहे थे। मैंने एक बात बताओ मेरे को शारिक बेटा जी, ये आपके अम्मी अबू ने कभी एतराज नहीं किया लोगों को, बच्चों पे सख्ती करते हैं ना, एतराज करते हैं कि गाने नहीं गाओ, तो आपने किसे गाना गाया? अम्मा अब्बा ने मारा वारा तो नहीं? नहीं बिल्कुल भी नहीं, बल्कि पहला गाना जो मैंने बनाया था उस वक्त मैं बिल्कुल छोटा था, मैट्रिक में पढ़ता था। अच्छा, तो उसमें मैं पैसे वगैरह भी कुछ नहीं थे, लेकिन मेरा शौक इतना था कि मुझे गाना करना है, तो अम्मी ने जो अपनी सेविंग्स जो एक खास जो घर में बचा के रखे हुए होते हैं पैसे, उसमें से मुझे पैसे दिए थे कि जाओ तुम गाना बनाओ, वीडियो बनाओ, तुम अपना शौक पूरा करो। अब मेरा वो एक ही गाना करने का इरादा था, उसके बाद मैं पढ़ाई के लिए बाहर जा रहा था, लेकिन वो गाना आवारगी में हद से रीमिक्स था एक। तो बाद में अब्बू को पता चला, गुस्सा नहीं आया उसको? अब दिया अम्मी ने था तो खुश हो गए होंगे। नहीं पैसे अम्मी ने दिए थे, गुस्सा करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने तो सुना आपके अब्बू को करंट आ जाता गुस्से में। अरे बेटा पिछले जमाने में ये होता था, कोई बच्चा होता था तो वो बोलता था मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा। आजकल का हर बच्चा बोलता मैं सिंगर बनूंगा, मैं सिंगर बनूंगा। गधेड़ा गधेड़ा खामोश हो जा, आजकल आसान है सिंगर बनना, एक फटी हुई जीन्स हो एक गिटार हो तो सिंगर बन गए। आओ करो जिसको बोलो हाथ ऊपर हाथ ऊपर। Excuse me, please, please, please. आपका दिमाग कमजोर है क्या? नहीं क्यों? कि चश्मा क्यों लगाया वहाँ पे आप? मैं असल में आया था आपके घर, तो मैं चश्मा मैंने कहा कहाँ रखूँ पता नहीं, तो गायब ना हो जाए कहीं, तो मैंने कहा अच्छा ये सिंगर होने साथ ये पहला बच्चा जो सर से देखता है। मैंने कर दी ना बात पापा, कर दी ना। सिंगर होने के लिए सुरीला होना जरूरी है या खूबसूरत? देखें आजकल एक पैकेज डील है, अगर आप खूबसूरत नहीं भी हैं तो कम से कम आपका इमेज पूरा होना चाहिए, और अगर आप सुनिए क्या इमेज? इमेज चश्मों की दुकान है ना, एक आदमी है ना उसकी इमेज नहीं समझता, इतनी आसान इंग्लिश यार। इमेज का मतलब है आपका नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है यार, क्या है आप जी जी, इमेज क्या मतलब? यानी कि आप, आपका वीडियो कैसा है, आपके कपड़े आपने कैसे पहने हुए हैं, आप लग कैसे रहे टीवी पे, और अगर सुरीले नहीं भी हैं तो कम से कम इतना हो के गाना अच्छा ना हो, वीडियो अच्छा बन जाए। ओवरऑल अगर 100% बन जाता है किसी तरह से, बुरा गाना है अच्छा, बहुत अच्छा वीडियो है, लेकिन ऐसा कभी कभी नहीं भी होता, कुछ बहुत सारे ऐसे गाने जो बहुत महंगे महंगे वीडियोस बने वो नहीं चले। आप लाइव गाते हैं या वो डैड लगाते हैं? डैड होता है ना, अरे लेकिन मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी लाइव कॉन्सर्ट में कभी सीडी पे परफॉर्म किया, अनलेस क्योंकि टीवी की रिकॉर्डिंग हो, बिकॉज़ टीवी की रिकॉर्डिंग में साउंड का बड़ा प्रॉब्लम है। स्माइल बस, मेरे पापा घिस जाएंगे, पापा जगह दो ना उनको, कितनी जगह दू, कितनी जगह दू, क्या घर में कब्जा खड़ा हूं मैं? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक, क्या कर रहे हो इस्माइल भाई, अंदर पास से गुजरना चाहते हो क्या? शारिक शारिक, ये मेरी फैमिली की बात है, आप बुरा मत मानना, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है आपके शो पे। इस्माइल भाई आपने शारिक के गाने सुने? हाँ हाँ, अच्छा बहुत अच्छा गाते हैं। अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा। और इनका भी सुना मैंने गाना। मैं गाना सुनाऊं आप? ना ना नहीं नहीं, गा मेरे मन गाओ हेरे दो और तीसरा इंशाल्लाह ईद पे। तो यार एक एल्बम में कितने फोटो लगा लेते हो दादी? एल्बम गाने की, गाने का एल्बम, गाने का गाने की फोटो शादी की एल्बम। अच्छा ऐसे फोटो बना के शादी में एल्बम बनाई थी, सारे हमारे रणछोड़ लेन के लोग देखते
खवातीनों आपके दादा जिंदा हैं। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तू पास बुला ले अम्मा। ब्रेक की इस वक्त बहुत जरूरत है, दादी को पुरानी यादें याद आ गई हैं। लेते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। शाहरुख खान भी हमारे साथ हैं। गफ्फार जगदौरा जी में कहीं मत जाइएगा। लेकिन उसके बाद देख के हंसती होगी, आपको आवाज आती होगी। मैंने जितनी भी वो कास्ट थी 50-50 की, जितने सुपरस्टार्स थे उस जमाने के, उन सबके साथ अपने अम्मी अब्बू की तस्वीरें देखी हैं। अच्छा। और मुख्तलिफ पार्टीज में, मुख्तलिफ फंक्शंस में, तो उससे बेसिकली मुझे शौक जो इंडस्ट्री में आने का हुआ वो इसी तरह से हुआ कि अम्मी अब्बू काफ़ी लोगों को जानते थे। हाँ। तो बचपन से घर में आते जाते लोगों का स्टार पावर देखा कि जी अगर कोई आर्टिस्ट घर पे आ रहा है तो उसके पास उसकी क्या पावर है, मोहल्ले वाले उसको देख रहे हैं। लोग तो बाप के पास कितनी पावर है, सारा बिजली जो उसने कंट्रोल की है। वो तो पावर का प्रोग्रेस है। लोड सेटिंग उन्होंने करवाई है। नहीं नहीं नहीं, आपके घर पे आर्टिस्ट आते थे आप बहुत खुश होते थे, तो तू मेरे घर पे आके मेरे को धक्के काहे को देता है? पापा मेहमान है, किसी बातें करे ले। शारिक, अगर आपको तबला, हारमोनियम, सारंगी, बांसुरी ये सब पूरा साज दिया जाए, तो तेरा बाप भी गाएगा अगर ये सब दे दो। ये ढोल बजा लेते हैं। एक मिनट, अगर आपको ये साज दिए जाए, कहा जाए कि आप पक्के रागों में को गजल, को ठुमरी, को दादा, को आपने ऐसी तालीम हासिल की है, गा सकते हैं आप? मैं ठुमरी या कोई भी गजल याद करके गा सकता हूँ, लेकिन अगर आप मुझे कहेंगे कि एक राग सुनाए 20 मिनट या 5 मिनट या 10 मिनट, आप नहीं समझते कि गायकी के लिए ये क्लासेस जरूरी है? बहुत जरूरी है। आपको म्यूजिक का पता होना चाहिए, सेंस होना चाहिए, सात सुरों का, जो सात सुर हैं उनका पता होना चाहिए कि आप जो सुर गले से निकाल रहे हैं वो सही है या नहीं है। हाँ। बेटा ये आपको लड़कियों के फोन आते हैं? पहले बहुत क्या दादियों के आएंगे, ये लिस्ट लेनी है आपको इससे। ये लड़की हूँ मैं, कोई दादी हूँ क्या? मैं कह रहा हूँ लड़कियों के फोन आएंगे ना। हाँ तो मैं पूछ रही हूँ इसीलिए आपको लड़कियों के। अच्छा, इसमें भी आपको लड़कियों के फोन आते हैं? आपको लड़कियों के फोन आते मुझे? हाँ नहीं आते, मर गई। अब्बा को कौन फोन करेगा, पागल थोड़ी है वो। नहीं तो इनके जमाने की सही कहता है, लड़कियाँ मर गई होंगी। सही है इसमें किसके जमाने? आपके जमाने की लड़कियाँ। मतलब मैं रह गया हूँ? नहीं नहीं, आपके फैंस तो होते होंगे, कॉल करते होंगे। हाँ, फैंस तो फोन करते होंगे। आप फैंस करते, मतलब वो आप जो हो करेंगे, आपको लड़कियां फोन करती हैं, तो अब वो मतलब लड़कियां तो नहीं रही वो भी। अच्छा बन गए ना। अच्छा, तो मकसद ये है कि आप इतने सिंगर्स हैं, पॉप सिंगर्स आजकल तो लॉट आई हुई है, किसी से जेलसी होती है कभी की? यार मेरे को है जेलसी, इधर से इसको हटाओ भाई, ये बार बार मेरे पे गिरता है। इन्होंने मसाले वाली बरिया नहीं खाई है ना, इसीलिए तबीयत खराब है। एक्सक्यूज मी प्लीज, मैं संजीदा बात कर रहा हूँ, प्लीज। किसी से जेलसी होती कि यार ये क्या गा रहा है, यार ये गाना अगर मैं गाता तो ये तो तुम बाजे बजाते थे। ये जेलसी इस तरह नहीं होती, ये जेलसी इस तरह होती कि यार बहुत अच्छा गाना है, काश कि मैंने गाया होता। वाह वाह वाह, अच्छी बात बोली है, वाह वाह, जीता है। कभी आने वाले जूनियर्स को कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपने? देखिए, मेरा ख्याल ये कि जो भी लड़का म्यूज़िक करना चाहता है, जो भी बंदा म्यूज़िक करना चाहता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे आप कोई भी काम करने के लिए बेसिक तालीम हासिल करते हैं, तो म्यूज़िक के लिए कम से कम आपको स्केल का पता हो, स्केल्स का पता, भले आप क्लासिकल ना गाते हो, आपको राग ना आते हो, लेकिन आपको ठाट याद हो, आपको स्केल्स याद हो। लेकिन आजकल तो सिंगर ठाट से गाते हैं, ये ठाट क्या होता है? देखें, पिछले 2-3 सालों में तो बहुत अच्छा म्यूजिक सीन हो गया, जितने नए लोग आए और जितने नए लोग आके हिट हुए उनमें से 90% जो लोग हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं बेटा, जो हिट हुए हम तो ये देखते हैं, जिसके पास ज्यादा पैसा है, 50 लाख की वीडियो बना ली तो वो फुदक के हिट हो गए, तो क्या जबरदस्ती हिट है? नहीं, आते नहीं है। अच्छे लोग भी बहुत सारे आ रहे हैं, फ्यूजन है, अहमद जहाज़ेब है, वो बहुत अच्छे। नाम नहीं लेती भाई। आपका फेवरेट सिंगर कौन है? मेरे फेवरेट सज्जाद अली। सज्जाद अली, ये तो मेरी पसंद का, आपने मेरी नकल क्यों की बेटा? मैं बहुत इंप्रेस हूँ। सज्जाद अली ने वो अपना कौन है, वो रहमसा नहीं है छोटा सा? जी जी। वो बेचारा वो क्या बोलता है, पखैर राग ले ये लाले लोग के गाने गाता है ना रहमसा, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता। अच्छा, आपको जब पहला आपने कॉन्सर्ट किया, शो किया, क्या मुआवजा मिला था पहली दफा? वो बता तो रहा है अपनी माँ से पैसे लेके उसने भी? नहीं नहीं, वो वीडियो का था, मैं शो की बात कर रहा हूँ। सकता है वो फ्री में दिया? कितने पैसे दिए आपने? क्या नहीं, कितने पैसे मिले थे? मिले थे। हाँ मैं एक शो में, मेरे एक दोस्त है आमिर, आमिर रिज़वी, उन्होंने मुझसे कहा यार तुम्हें एक जगह मेरे साथ चलना है। मैंने कहा ठीक है चलें।
वो मुझे कहीं लेकर गए, वहाँ एक शो हो रहा था। पट्टी बांध के ले गए थे? नहीं नहीं, वो एक जगह लेकर गए कि यार चलें होटल में। ना मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा जी। तो उन्होंने जब वहाँ गया, वहाँ शो हो रहा था, उन्होंने कहा कि तुम परफॉर्म करोगे शो में? मैंने कहा कि ठीक है मैं कर दूंगा। मेरी एल्बम भी नहीं आई थी, कुछ एक गाना आया हुआ था खाली, मैंने परफॉर्म किया वहाँ पे। मेरा फेवरेट बैंड था नाइट फ्लाइट। जब मैं वापस उतरा तो लॉरेंस जो है वो ऑर्गेनाइजर थे उस शो के, उन्होंने मेरे हाथ में एक एनवलप दिया जिसको मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, बिकॉज मैं किसी के साथ वहाँ गया था। मुझे उन्होंने कहा कि यार तुमने परफॉर्म किया है तो तुमने मेरे लिए परफॉर्म किया, नाउ आई हैव टू पे यू। उसमें बहुत थोड़ी सी अमाउंट थी, लेकिन वो पैसे, उन पैसों की इतनी ज़्यादा खुशी थी मुझे। उससे पहले भी चेक्स मिले थे पीटीवी से, लेकिन वो म्यूजिक नहीं हुए थे। नहीं बोल रहा हाँ। नहीं शुक्र है आमिर के हाथ में लिफाफा नहीं दिया, नहीं तो इसको पता ही नहीं चलता। नहीं हुआ लिफाफा, ऐसे आदमी ने दिया था वो तो उसमें तो कैश होना ही होता ही होना ही होता है। एग्जैक्टली। लेकिन ये कि मुझे उस वक्त नहीं 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 दादी नहीं दादी नहीं क्या थोड़ा चेंज के लिए मेरे दादी वहाँ से शुरू करो। इस्माइल भाई आखिर में आपको वहाँ भेजेंगे ना जब पता चले। कोई ऐसी ख्वाहिश जो आपकी अब तक पूरी ना हो पाई हो? मैं एक इंटरनेशनल एल्बम करना चाहता हूँ, कहीं बाहर जाके काम करना चाहता हूँ। किधर? श्रीलंका में बनाएगा बेटा, तमिलनाडु के साथ? नहीं मैं अमेरिका में करना चाहता हूँ। हॉलीवुड के कुछ प्रोड्यूसर हैं जो मुझे बड़े पसंद हैं। अच्छा आपके अब्बा के ताल्लुक आते हैं? यार क्या करते हैं यार। हाँ इस्माइल भाई, इस्माइल भाई पप्पा है मेरे पप्पा, आपने इनको रुपया कितना गिरा दिया। पप्पा उधर बैठ बैठ पप्पा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अभी अभी ठीक है, अभी ठीक है। आप बात करें। क्या जी हो रहा जी है? अच्छा हॉलीवुड में आप करना चाहते हैं? जी मैं असल में मुझे मूवीज में प्रोडक्शन करने का बहुत शौक है। अभी मैं पाकिस्तान में बहुत सारी टेलीफिल्म्स कर रहा हूँ, बिकॉज मूवीज तो यहाँ पर क्योंकि कराची में नहीं बनती है, मैं कराची में रहता हूँ तो कराची में अभी क्या बनी। नहीं पप्पा वो टेलीफिल्म की बात कर रहा है जी। तो कुछ टेलीफिल्म्स अभी मैं कह रहा हूँ जिसमें मैंने अभी एज ए प्रोड्यूसर काम किया, उसमें जाले सरदी को रिकॉर्ड लगाया आपने? नहीं नहीं एज ए म्यूजिक प्रोड्यूसर। अच्छा म्यूजिक म्यूजिक प्रोड्यूस किया, बैकग्राउंड किया है, गाने किए हैं, उसमें जाले सरदी ने गाने गाए। अच्छा। और सनी तुनियो ने पहली बार एज ए सिंगर काम किया। जाले को क्या कहा? जाले अब तू गाले। दादी मां क्या कर रही है दादी? अरे हाथ धोगे दादी, क्या कर रही है आप? मैंने क्या किया? आपने धक्का दिया, ये तो खामा शेर का भाव गिर गया, शेर का भाव गिर गया। पापा ऊपर बैठो ना, अब तू वहीं बैठो, चलो कोई बात नहीं। ये स्टूडियो किसके बाप का नहीं है, मेरा है स्टूडियो, मैं इधर ही बैठूंगा, इधर ही बैठूंगा। ये क्या मेरे को छेड़ने के लिए बोला है? पापा मजाक कर रहे हैं, मजाक करोड़पति आदमी। पापा मजाक कर रहे हैं, हंस रहे हैं, देखो हंस रहे हैं, हंस रहे हैं पापा, मजाक कर रहे हैं, बड़ा मस्करी की है ना, मजाक कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं पापा, मजाक किया, एंजॉय करते हैं, किसी को नजरों से गिरा दिया, बोला एंजॉय करते हैं। दादी मार धक्का दिया, भारी हो गया बैठ, वो तो मजाक करने वाला मस्करा है। अरे बोलो मेरे को गिरा के दिखाएं। आले नहीं 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 मम्मा सो के अभी फ्लोर इतना मजबूत है, पतलों को गिराता है, मेरे को गिरा। हवाती के साथ हम शारिख से गाना सुनेंगे और आप रखिएगा अपना ख्याल और इसी तरह हर हफ्ते हमारे साथ रहिएगा इस प्रोग्राम में जिसका नाम है गफार जट डोरा जी। आज आपने मुलाकात की शारिख रूमी से और इस्माइल तारा साहब से, हंसते मुस्कुराते कह कहे लगाते इस्माइल साहब की शरारतों से महसूस हुए। मेरी फैमिली के साथ मिलकर गफार जट डोरा जी में अपना बहुत ख्याल रखिएगा।